बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ मैं आज 20x51 फुट प्लाट के बारे में। तीन तरफ इसके मकानात हैं, लेफ्ट राइट एंड बैक पर। सिर्फ एक ही तरफ इसको स्ट्रीट लगती है और वो ये है इसका फ्रंट। मेन गेट से एंटर होते हैं, पोर्च है, पोर्च में स्टेयर्स दी गई हैं। ये एंट्रेंस का डोर है, ये ड्राइंग रूम है हमारे पास फ्रंट पे, टीवी लाउंज है बड़ा सा और ओपन किचन है इसमें। ओपनिंग है वेंटिलेशन के लिए, बाथ दिया गया है कॉमन बाथ, दो बेडरूम्स हैं और एक बेड के साथ चेस्ट बाथ है और सेंटर में वेंटिलेशन है। चेक करते हैं इसके साइजेस को, देखते हैं इसकी डायमेंशंस। 51 फीट इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो है 20 फीट, यानी 20 फीट बाई 51 फीट का ये प्लॉट है। आते हैं जी पोर्च में, पोर्च का साइज देखते हैं। पोर्च की चौड़ाई जो है हमारे पास वो है 8 फीट 9 इंच, जबकि मुकम्मल लेंथ जो है इसकी वो है 16 फीट 4 इंच। इसके बाद है स्टेयर, स्टेयर्स का साइज देखते हैं। 3 फुट स्टेयर्स की चौड़ाई है। स्टेयर्स जो है ये एरो का आपको एक निशान नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ से आप ऊपर आएंगे और टर्न होने के बाद ये फर्स्ट फ्लोर से अटैच हो जाएंगे और इस जगह पर लगेगा एंट्रेंस का डोर। आते हैं ड्राइंग रूम की जानेब। ड्राइंग रूम की साइज 16 फिट 4 इंच की लेंथ है और जबकि इसकी चौड़ाई जो है हमारे पास वो है 9 फिट। दो डोर दिए गए हैं इसको, एक डोर अंदर टीवी लॉन्च की जानिब है और दूसरा डोर बाहर गली की जानिब है गेस्ट वगैरह के आने के लिए। एक विंडो दी गई है इसको बाहर गली में 3 फुट की। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जो लोग स्पेशल मैप बनवाना चाहते हैं उनके लिए मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो कॉन्टेक्ट करके मुकम्मल डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। ये टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च की मकम्मल लंबाई जो है वो है 13 फिट 4 इंच, जबकि इसकी मकम्मल चौड़ाई जो है वो है हमारे पास 18 फिट 6 इंच। ओपन किचन है, ओपन किचन का साइज 8 फिट 6 इंच इसकी लंबाई है और जबकि इसकी चौड़ाई इस जगह पर वो है 5 फिट। इस जगह पर स्लैब बनेगी, स्लैब के ऊपर चूल्हा वगैरह ओवन वगैरह हर चीज इधर ही एडजस्ट होगी और लकड़ी का काम भी आपका इसी जगह पर होगा। आते हैं ओपनिंग की जानिब, ओपनिंग का साइज देखते हैं। 3 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है और जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो है 4 फिट। एक विंडो दी गई है किचन की जानिब 3 फिट की। इसमें एक एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाइएगा ताकि किचन की मकम्मल तौर पर एग्जॉस्टिंग होती रहे, बाथ जो है वो टोटली तौर पर एग्जॉस्ट होती रहे। बाथ है कॉमन बाथ, इसकी लंबाई जो है वो है 5 फिट जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो है 4 फिट। एक वेंटिलेटर दिया गया इसको ओपनिंग में एग्जॉस्टिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए 2 फिट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। आते हैं बेडरूम की तरफ, बेडरूम का साइज देखते हैं। इसकी मकम्मल लंबाई जो है वो है बेडरूम की 13 फिट जबकि मकम्मल चौड़ाई जो है इस बेडरूम की वो है हमारे पास 9 फिट 7 इंच। इसके बाद बैक पर है बाथ, अटैच बाथ का साइज 5 फिट इसकी लेंथ है और जबकि इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो है 5 फिट, यानी 5x5 का ये बाथ है। एक वेंटिलेटर इसको इधर जरूर दीजिएगा एग्जॉस्टिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए। ओपनिंग की बात करते हैं, 4 फिट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो है हमारे पास 5 फिट। ये ओपन टू स्काई है, इस पर लेंटर नहीं पड़ेगा ताकि हवा का क्रॉस होता रहे। आते हैं जी मास्टर बेड की जानी, मास्टर बेड का साइज मकम्मल लेंथ जो है मास्टर बेड की वो है 14 फिट 5 इंच जबकि मकम्मल चौड़ाई जो है मास्टर बेड की वो है 8 फिट 7 इंच। बैक पर इसको एक विंडो दी गई है, इसका साइज 4 फिट इसकी चौड़ाई है। इस विंडो का होना बहुत जरूरी है, इस विंडो को ओपन रखें और इस डोर को ओपन रखने पर आप देख सकते हैं पूरे घर में एक क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।